हम बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे पड़ोसी देश और उनको लेकर हमारी नीति को। नेशनल डिफेंस कॉलेज की डायमंड जुबली के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसका मेन थीम था भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और किस तरीके से हमने अपने पड़ोसी देशों के साथ इस मसले पर कदम आगे बढ़ाए हैं। और जिस तरीके से पिछले करीब एक दशक में राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर हमने देखा है कि पड़ोसी देशों के साथ हमारी नीतियों में बदलाव भी दिखा है और उसका असर भी, और इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को लेकर अडिग है। भारत एक पक्षीयता और आक्रामकता के सामने अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों के विकास और पीड़ितों की न्याय के प्रावधान सहित आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के प्रति त्रि आयामी जो तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके दृष्टिकोण के नजरिए से देखता है। और आज अपने कार्यक्रम के जरिए समझेंगे कि भारत में अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखें तो जो बड़ी चिंताएं रही हैं उसको लेकर हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध और नीतियां क्या हैं, उनका असर क्या हुआ है और मौजूदा दौर में जो जरूरत है वो आगे क्या नजर आती है। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब हैं, पूर्व राजदूत। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर राकेश शर्मा साहब हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, डिस्टिंग्विश फेलो हैं, टॉस से। आपका स्वागत है सर। और शक्ति सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, सामरिक एक्सपर्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में पिनाक सर आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि भारत के जब पड़ोसी देशों की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें आपका एक लंबा अनुभव रहा है, वहाँ पर आप रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ हम पड़ोसी देशों के संबंधों को देखें और जो चुनौतियाँ रही हैं, तो मौजूदा दौर में वो कितनी आगे बढ़ती नजर आ रही हैं, उनको किस तरीके से हमने टैकल किया है अपनी नीतियों के जरिए? देखिए, जो हमारे नेबर्स हैं वो हमारा फर्स्ट सर्कल है। जो आपको मालूम होगा चाणक्य नीति में मंडला का जो कॉन्सेप्ट है, तो फर्स्ट सर्कल हमारे नेबर्स है। पर चाणक्य ने तो कहा था कि जो हमारे नेबर्स होंगे या पड़ोसी होंगे उनके साथ रिश्ते उतने अच्छे नहीं होंगे। पर ठीक है, वो उन्होंने अपने जमाने में कहा था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका जमाना और आज का जमाना एक जैसा है, वो नहीं है। हमारा साउथ एशिया में जो फर्स्ट सर्कल है वो नेबरहुड का सर्कल है। वो सिविलाइजेशनल, हिस्टोरिकल, कितने सारे जो हमारे जो उनके साथ जो संबंध हैं वो बहुत गहरे हैं, इसमें कोई शब्द नहीं। पर ऐसा है कि भारतवर्ष सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ा देश है और बाकी छोटे हैं, इसलिए ये छोटे बड़े में थोड़ा डायनामिक्स जो होता है वो थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि उनमें थोड़ा सा वो होता है कि इतना बड़ा देश, इसके साथ हम कैसे डील करें। इसलिए ये स्वाभाविक है कि उनमें कुछ, उनके मन में कुछ शंका हो या डाउट्स हो कि भारत क्या करेगा। पर हमको, हमारी तरफ से जो है उनको आश्वासन देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए जितना हो सके, जो हम कहते हैं एसिमेट्रिकल रिलेशनशिप होना चाहिए। रेसिप्रोसिटी पे हम अपने नेबर्स के साथ काम नहीं कर सकते। चाइना पाकिस्तान की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी देशों की बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो हमने जो नेबरहुड फर्स्ट नीति जो अपनाई थी वो तो बहुत ही उमदा नीति थी, पर उस पर जो काम करना है वो आगे बढ़ाना है। अब देखिए, चाइना जिस तरह से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है बाकी देशों में, पाकिस्तान को तो उन्होंने अपना कब्जा कर ही लिया है, अपना क्लाइंट स्टेट बना लिया है, पर बाकी देशों में भी उनका काफी मतलब प्रभाव है। इकोनॉमिक प्रभाव ज्यादा है, पर इकोनॉमिक प्रभाव पहले होता है, उसके बाद सैनिक या मिलिट्री प्रभाव बाद में आता है। अब मेरे ख्याल में तो कुछ दिनों में तो हमने नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ और मालदीव्स के साथ भी जो ताल्लुकात हमने या जो संबंध जो सुधरे हैं वो हमारी एक सफलता है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम है इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमको जो करना है इसके लिए फंडिंग की भी जरूरत है, तो सरकार को ये भी देखना पड़ेगा कि एडिक्वेट फंड्स जो हैं और एडिक्वेट पर्सनल रिसोर्सेस के बिना विदेश नीति नहीं चल सकती। और रिसोर्सेज डोमेस्टिक इकोनॉमी से आता है, इसलिए डोमेस्टिक इकोनॉमी
सुधरेगी तो उसमें हमारे फंड्स भी बढ़ेंगे, तो उसमें हम डिप्लॉय कर पाएंगे उस तरह के फंड्स, जैसे लाइंस ऑफ क्रेडिट हैं, या जैसे हमने बांग्लादेश के साथ एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है कि वो हमारे से हथियार खरीदें, क्योंकि बांग्लादेश के हथियार मेरे ख्याल 70% चाइनीज ओरिजिन के हैं। चाइनीज ने उनको दो सबमरीन भी दिए हैं और हमने भी एक सबमरीन म्यांमार को दिया है। तो इस तरह की जो डिफेंस कोऑपरेशन और रिलेशनशिप्स हैं इसको बढ़ाना पड़ेगा। और बाकी इकोनॉमिक तो है ही है, लाइंस ऑफ क्रेडिट है जो हमारे वहाँ जो एनर्जी सेक्टर में, जैसे बांग्लादेश में कई पावर पावर प्लांट्स बन रहे हैं। अब मॉलडीव्स के साथ भी हमने फिलहाल लाइंस ऑफ क्रेडिट में काफी उनको पैसे दिए हैं, जो ब्रिजेस बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। मॉलडीव्स में आइलैंड से आइलैंड जाना आना काफी दिक्कत होती है उन लोगों को। तो इस तरह से जो है, नेपाल में जैसे अभी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए थे तो उन्होंने, उनसे बड़ी अच्छी बातें हुई हैं मैंने जो सुना है, तो उसमें भी वो जो रिश्ते हैं उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। मुझे लगता नहीं, थोड़ा बहुत तो वो नाराजगी हो जाती है कभी कभी ऊपर नीचे, क्योंकि चाइना भी तो अपना खेल खेल रहा है इन जी देशों में, इसलिए हमको ये सावधानी से देखना पड़ेगा और बड़ा बड़ा डीपली मॉनिटर करके हमको मूव्स लेना पड़ेगा इसमें। राकेश सर, क्योंकि जब हम पड़ोसियों की बात करते हैं, जैसा कि पिनाक सर ने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है कि दो तरह के पड़ोसी हमारे आसपास हैं और पड़ोसी कभी बदले नहीं आते। कुछ ऐसे पड़ोसी हैं जो कि कदमताल करते हुए दोस्ती के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं, और हमने देखा है पिछले कुछ दशकों में उसका असर भी हुआ है। दूसरे वो पड़ोसी हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर वक्त खतरा नजर आते हैं, साजिश के तौर पर खड़े नजर आते हैं। और ऐसे पड़ोसियों के लिए मैं समझना चाहूंगा कि जो पॉलिसी थी और जिसको हमने ज्यादा स्ट्रॉन्गर वे में अब देखा है, प्रोएक्टिव तौर पर भी नजर आया है, और जिसका जिक्र खुद रक्षा मंत्री ने कहा कि जब पड़ोसी विवाद मतभेद हों, लेकिन वो विवाद भी अगर बार बार तब्दील होते रहें तो फिर उसका उसके लिए नीति कड़ी ही सही होती है। धन्यवाद सुशांत जी, आपने हमको इनवाइट किया। मैं पहली बात ये कहना चाहूंगा कि हमको अपने पड़ोसी मुल्कों को इस हिसाब से देखना पड़ेगा कि वो सब एक सॉवरेन कंट्री है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है पर वो जो कंट्री से छोटे हैं, 80% जीडीपी इन सब कंट्री से हमारी है, पर ये कहना कि वो हम पे डिपेंडेंट है टोटल और वो सही नहीं होगा, उस कारण उनके मन में एक मन मुटाव आता है, उनके फिल्म फीलिंग आता है कि हिंदुस्तान शायद इंडिया शायद उनके ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करता है। और अभी हमको ये सोचना है कि हर एक कंट्री छोटी हो बड़ी हो वो एक सॉवरेन नेशन है और उनको एक सॉवरेन नेशन की तरह से डील करना पड़ेगा। और इस सोच के चलें कि हम सब बराबर हैं और कोई बिग ब्रदर जो इशू कहा करते थे बिग ब्रदर, वो बिग ब्रदर वाली कहानी खत्म हो गई है, तब हमारी बातचीत में हमारी रिलेशनशिप में एक उछाल आएगा, एक एक पूरा डिफरेंस आएगा। और मेरे विचार में ये कुछ चंद वर्षों में देखने में आया है कि हमने इन सब कंट्री से एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी। अब आप बात करते हैं चाइना की, एम्बेसडर साहब ने ठीक बोला, इन सब देशों में जो हमारे आसपास के देशों में है, चाइना ने स्ट्रॉन्ग इनरोड्स किए हैं उन कंट्रीज में, जैसे श्रीलंका में हनबनटोटा है या पोर्ट ऑफ कोलंबो है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, या म्यांमार में डबल वाई शेप रोड्स है, या बांग्लादेश में ओपन लाइंस ऑफ क्रेडिट है, या नेपाल में तो अभी उनकी रोड्स और ट्रेन जो है वो बिल्कुल हमारे यूपी बिहार बॉर्डर तक पहुंच जाएगी अगले साल तक। सो एक चाइना ने जो उसमें किया है हमको उसको ध्यान में रखकर काउंटर करने की आवश्यकता है। और ये तरीका यही है कि चाइना का हर चीज एक बॉटम लाइन है, हर चीज पैसे से काउंट किया जाता है। हमको हर चीज को, हम उनसे पैसे से मुकाबला नहीं कर सकते, हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं रिलेशनशिप से। तो हमने जो देना है वो एक मन से देना है। चाइना ने जो करना है, अपनी कंपनी लाएंगे, सीसीसीसी नाम की कंपनी को हर कंट्री में डाल देंगे, वो सब काम करेगी, अपने वर्कर लाएगी। हमने जो उनके लिए करना है वो इस हिसाब से करना है कि वो उन लोगों को एडवांटेज फील हो कि इंडिया से डील करने में एडवांटेज है, तब इंडिया फर्स्ट पॉलिसी ज्यादा सक्सीड होगी। और जो दो राष्ट्रों की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना, हमने पिछले 25-30 साल में सोचा था चाइना से हमारा रिलेशनशिप अप्रूव होगा, 5-6 ट्रीटीज हमने साइन करी थी,
और अग्रीमेंट्स और कुछ हद तक चल भी रहा था, पर ये एक साल में ये छह महीने में ये सब खत्म हो गया। सो ये क्यों खत्म हमने नहीं किया है? हमको हमने कोशिश नहीं की चाइना से रिलेशनशिप खराब करने की, इनफैक्ट हमने बहुत ज्यादा कोशिश करी रिलेशनशिप रखने की। $100 बिलियन तक ट्रेड पहुंचने वाला था। इनका जो चाइना की गलती है, चाइना का ये रिलेशनशिप खराब करने का तरीका है। अब हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इसके आगे क्या होगा, बिकॉज टॉक से कुछ नहीं हो रहा है। और पाकिस्तान की तो आइडेंटिटी ही उनकी एक उनका नेशन आइडेंटिटी जो बांध के रखता है वो एंटी इंडियनिज्म और कश्मीर है। तो पाकिस्तान का एटीट्यूड चेंज होने में तो बहुत समय लगेगा, तो होगा भी नहीं शायद। पाकिस्तान की आइडेंटिटी हम चेंज नहीं कर सकते, चाइना का एटीट्यूड चेंज हो रहा है, तो हमको अभी इन बाकी नेशन से रिलेशनशिप ज्यादा इंप्रूव करने की आवश्यकता है। सिन्हा साहब, जो कि राकेश जी ने कहा बहुत महत्वपूर्ण है कि चाहे हम अगर चीन और पाकिस्तान की बात करें और हाल के कुछ वर्षों में जो टफ स्टैंड भारत की सरकार ने दिखाए हैं और खासकर इन दोनों देशों के साथ रिश्तों को लेकर और सामरिक नज़रिए से, और दूसरा जो इससे पहले हम देखते थे कि टॉक्स और दोनों चीज़ें एक साथ नज़र आती थी, सॉफ्ट अप्रोच होती थी, उसको काफ़ी ज़्यादा बदला इस नई सरकार के ज़रिए, किस तरीके से उसका इम्पैक्ट अब दिखता है इन दोनों देशों के उस स्टैंड पर जो कि लगातार भारत विरोधी होते थे और कई बार हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा भी पैदा करते रहे हैं? एकदम सही आपने कहा, जैसे अभी जनरल राकेश शर्मा ने बहुत अच्छा कहा, पाकिस्तान का व्यक्तित्व क्या है कि मैं भारत के खिलाफ हूँ, तो उस नजर से चलने में तो ये कठिनाई रहेगी ही। पर चीन की बात ज्यादा लेते हैं, फिर पाकिस्तान पर मैं आता हूँ। चीन की तरफ देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी का अप्रोच रूस प्रधानमंत्री का था कि हाँ, चीन हम चुनौती जरूर देती है, पर चुनौती के साथ साथ मौका भी देती है, और कोशिश करनी चाहिए कि एशिया में दोनों देश साथ उभरें। इस पर कॉम्पिटिशन की बात नहीं है, तो कोशिश थी कि हमारे जो डिफरेंसेस उनसे है वो हम घटाते जाए धीरे धीरे, और जहां जहां आर्थिक मामले में हम आगे बढ़ सकते हैं साथ बढ़ते रहे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कोशिश की, फिर चीन ने गड़बड़ किया था, आपको याद होगा डोकलाम में दो महीना चला, 73 दिन चला, सुलझाया गया। उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने अपना पर्सनल, मैं कहूंगा कि रेपुटेशन को करके वुहान गए, फिर मामलापुरा में मीटिंग की, पूरी कोशिश की हाँ हमें कुछ डिफरेंसेस जरूर हैं, कोशिश की जाए। उसके बावजूद चीन का जो नजरिया रहा है भारत के प्रति, वो रहा है कि भारत को दबाने का किसी तरह से, वो अब निकल आ गया, बाहर आ गया, छिप नहीं पाया है। और जिस तरह से हमने अपना रक्षा की है उसके बाद, क्योंकि भारत एक आक्रमण में नहीं विश्वास करता है, भारत चाहता है, और आप राजनाथ सिंह की भाषण से आपने शुरू किया था, भारत नहीं चाहता कि आक्रमण हो, परंतु अगर आक्रमण को रोकना है तो हमें तैयार रहने की बहुत आवश्यकता है, और वो हमने दिखा दिया है कि भारत पर कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा डिटरेंस अच्छा है, बड़ा रोबस्ट तरीके से हमने भारत को की सुरक्षा की है। तो भारत का क्षेत्रीय अखंडता जो है वो सबसे प्राथमिक है, क्षेत्रीय अखंडता नहीं रहेगी तो ये राष्ट्र नहीं रहेगा। आप पाकिस्तान की तरफ भी देखेगा, जिस तरीके से हमने उनसे रिएक्शन किया, पहले जो अटैक्स उनके बॉर्डर का क्रॉस किया हॉट परसूट में, और बाद में बालाकोट में, दिखा के रखा कि आपका जो तरीका था कि आप सोचते थे भारत को 1000 कट्स से ब्लीड कराएं, वो नहीं चलने वाला है, और आप क्या है हमारे सामने, कुछ नहीं है। और जैसे शुरू में एम्बेसडर पिनाकी ने बड़ा अच्छा कहा था, पाकिस्तान अब क्या रह गया है, वो चीन का एक अंश बन चुका है, एट ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना बन चुका है। तो अब तो भारत जिस स्तर पर है, और जिस तरह से हमने दिखाई है पाकिस्तान को कि आप हमें तंग नहीं कर पाएंगे, कश्मीर में देखिए पिछले 1.5 साल से क्या हो रहा है, एकदम शांति है, जो भी झंझट हो रहा है थोड़ा बहुत हो रहा है, बट पहले के हिसाब से कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये दिखाना कि हम चाहते हैं दोस्ती, हम चाहते हैं नॉर्मल रिश्ता, हम सब चाहते हैं कि रिश्तेदारी अच्छी रहे, कोई नहीं चाहता लड़ाई करना, परंतु अगर आप सोचते हैं हम पर आक्रमण करेंगे तो हम तैयार बैठे हैं, हम आक्रमण को नहीं सफल होने देंगे, उसका मुठभेड़ जवाब देंगे, और दुनिया को भी दिखाएंगे कि भारत खड़ा है, अपने बूते पर खड़ा है, दो भारत चाहता है कि सबसे साथ रिश्ता हमारा अच्छा रहे। ये कम से कम चीन में, पाकिस्तान में ये आइडिया चला गया है कि बदला हुआ भारत है, ट्रांसफॉर्म भारत है, इसके साथ अब खेल करना संभव नहीं है। पिनाक सर, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए पड़ोसी के साथ संबंधों के कहते हैं कि तभी ज़्यादा मजबूती दिखती है जब राष्ट्र खुद मजबूत हो। लेकिन हम जब मैं इससे पहले भी आप लोगों के साथ कई बार विदेश के रिश्तों को लेकर बातचीत की है, आप लोग जो राजनयिक हैं उनका एक होता है कि 3C जो वर्ड है
कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कल्चर, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और खासतौर पर पड़ोसी देशों के साथ। अगर मैं इन तीनों एलिमेंट्स को देखूं तो किन पड़ोसियों के साथ ये अब तक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और आने वाले कुछ वर्षों के लिए भी अगर देखें तो वो बहुत क्रूशियल रहने वाला है? देखिए, कनेक्टिविटी जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी हम कहते हैं, रोड, रेलवेज, एयरवेज, एयरवेज को मैं उतना नहीं देता क्योंकि जो लैंड बॉर्डर्स हैं हमारे, जैसे भूटान के साथ है, नेपाल के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, यहाँ पे लैंड कनेक्टिविटी नेचुरली बहुत बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हमने, जैसे बांग्लादेश के साथ हमने ये विचार विमर्श करके ये तय किया है कि 1947 से पहले जो कनेक्टिविटीज हमारी थी, जो यूनाइटेड इंडिया की कनेक्टिविटीज थी, उसको हम फिर दोबारा मतलब उसी स्तर पे ले जाएंगे। जैसे रेलवेज है, रोड है, बॉर्डर कनेक्टिविटीज है, जो बॉर्डर स्टेशंस थे हमारे, कस्टम स्टेशन हमने बाद में बनाए, पहले तो बॉर्डर था ही नहीं, इसलिए अब हम उस तरह से, जैसे रेलवे कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, अब हमने उसमें मैरीटाइम कनेक्टिविटी भी जोड़ दिया है, जैसे कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट है। साइबर कनेक्टिविटी भी बढ़ रहा है क्योंकि बांग्लादेश ने हम लोगों को, जो उनका साइबर जो पॉइंट है कॉक्सेस बाजार में, जहां अंडरसी केबल्स वगैरह जहां पे आते हैं, जहां से उनको कनेक्टिविटी मिलती है, तो उन्होंने हमको ये मतलब एमओयू साइन करके वहां से हमको कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में मिल देने के लिए वो तैयार हो गए हैं। खर्चा हम करेंगे, क्यों ना करेगा, नेचुरली जो हमारा कनेक्टिविटी है हम उस पर खर्चा करेंगे। उधर देखिए, अगरतला और वो आशुगंज के बीच में एक रेलवे बन रहा है, रोड बन रहा है, जिसलिए मल्टी मोडल कनेक्टिविटी जो है, मल्टी मोडल इसलिए है क्योंकि जो पानी के रास्ते, नदी के रास्ते या मैरिटाइम डोमेन के रास्ते जो जहाज जाते हैं, काफी उसमें खर्चा भी कम होता है, ट्रांसपोर्टेशन वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा कम होता है ट्रांसपोर्टेशन में, तो उसमें मतलब ट्रेड को बढ़ावा मिलता है। तो वहां से अगर एक जहाज हल्दिया से निकले या कलकत्ते से निकले, वो वहां आशुगंज तक जाएगा, फिर वहां पे माल ऑफलोड करके, वहां जेटीज वगैरह बन रही हैं, उसमें हमने लाइंस ऑफ क्रेडिट वगैरह हमने सब दे रखा है, वहां से रास्ता, और फिर अगर रेल हो जाए तो सीधा अगरतला पहुंच जाएगा। उधर एक और प्लान है, जैसे सबरूम है त्रिपुरा में नीचे, वहां से अगर एक रेलवे लाइन कनेक्ट करे तो बहुत ही पास है चिटागोंग, ज्यादा दूर नहीं है ये। हम इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 47 से पहले जो कनेक्टिविटीज थी, जैसे चिटागोंग से जो सामान था वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में जाता था, या खुलना जो पोर्ट है वहां से नॉर्थ को जाता था, सिक्किम, भूटान, इस तरह के, तो वो सब कोशिश की जा रही है कि वो दोबारा उस तरह से चालू हो जाए। अब टाइम लगता है क्योंकि 72 साल हो गए, पार्टीशन हुआ, पॉलिटिकल लाइंस बन गई, सारा जो पहले जो कनेक्टिविटी था उसको तोड़ दिया गया, अब दोबारा हमको ये बनाना पड़ेगा। अब रिश्ते अच्छे हैं, हमारे संबंध अच्छे हैं, इसलिए हम ये सब कर पा रहे हैं। बाकी भी नेपाल देख लीजिए, भूटान देख लीजिए, कनेक्टिविटीज है। एनर्जी देख लीजिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है एनर्जी, इकोनॉमिक या डोमेस्टिक इकोनॉमी जब बढ़ेगा 6-7% 8% से जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी की खपत बढ़ेगी, तो एनर्जी के बिना आप डोमेस्टिक इकोनॉमी को एनर्जाइज नहीं कर सकते। तो इसीलिए जैसे हम लोगों ने नेपाल में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उस पर काम चल रहा है, इधर गैस बेस्ड और कोल बेस्ड पावर सेंटर्स हम पावर प्लांट्स बना रहे हैं बांग्लादेश में भी, मैरीटाइम जो कनेक्टिविटी, जब जो नई जो मैरीटाइम कोस्टल शिपिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधा फिर कंटेनर, अब ऐसा है कि बांग्लादेश में जब एक डीप सी पोर्ट बन जाएगा पायरा में, तब ऐसा है कि जो बड़े बड़े कंटेनर जहाज है वो वहां पहुंच पाएंगे। अभी क्या होता है, बड़े कंटेनर जहाज कोलंबो से या सिंगापुर से ट्रांसशिप करते हैं, वो छोटे जहाज में डाल के फिर ले जाते हैं, उसमें खर्चा बढ़ता है ट्रांसपोर्टेशन में, और फिर इसलिए आप छोटे छोटे कंटेनर तो खैर कोस्टल शिपिंग में अब शुरू हो गए हैं, पहला कंटेनर जो गया है बार्ज में वो ऑलरेडी चालू हो गया है, वो बांग्लादेश होते हुए वहां त्रिपुरा तक उन्होंने माल पहुंचाया है। तो इस तरह की चीजें जो है कनेक्टिविटीज, तो ये बांग्लादेश के साथ हम कर रहे हैं, और बाकी नेपाल तो खैर लैंड कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है नेपाल के साथ, भूटान के साथ भी है, पर भूटान के साथ भी और
जरूरी है कि उसको बढ़ाने के लिए, पर उसमें भूटान गवर्नमेंट के कुछ जैसे कुछ 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 उनके जो ऑब्जेक्शंस हैं या कुछ उनको उनकी जो फिक्रें हैं जो फियर्स हैं, जैसे मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हमने किया था सार्क में BBIM के तहत, वो भूटान अभी तक उसको उन्होंने क्लियर नहीं किया है, पर बाकी लोग कर रहे हैं, बांग्लादेश इंडिया नेपाल वो कर ही रहे हैं क्योंकि हमारे ट्रक्स उनके ट्रक्स सब आते जाते रहते हैं। इसीलिए इस तरह की कनेक्टिविटी बढ़ाना, फिर देर आर अदर कनेक्टिविटी, सिर्फ फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, कल्चरल कनेक्टिविटी, ये सारे जो है ये सारे इंपॉर्टेंट है। पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी में आप देखिए कि बांग्लादेश से हमारे यहाँ जितने टूरिस्ट आते हैं वो सबसे ज्यादा है, हम 1.5 मिलियन 2 मिलियन वीजा देते हैं बांग्लादेशी को, वहां से जो हमारे यहाँ पढ़ने आते बच्चे वो भी सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म के लिए तो हम लोगों ने अलग कैटेगरी बना दी है जो वीजा कैटेगरी पहले नहीं थी, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म इतना बढ़ावा उसको मिल रहा था, अब वो है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोग, पर ट्रेड ट्रेड इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर हार्ट एक चीज है जो हम लोगों ने बांग्लादेश के साथ चालू किया है। एक जमाना था मतलब पार्टीशन से पहले जब बॉर्डर हार्ट, बॉर्डर तो खैर तब हार्ट उसको बॉर्डर हार्ट नहीं बोलते थे, तब सिर्फ हार्ट बोलते थे, क्योंकि जो लोग थे आसपास रहते थे वो अपना हार्ट वीकली हार्ट पे आते थे, सामान एक्सचेंज करते थे, फिर हमने उसको रिवाइव किया है बॉर्डर हार्ट के नाम से। ओके सर, तो जो राकेश सर जैसे कि कहा पिनाक सर ने कि किस तरीके से टूल्स जो मैं कहूँ कि यूज़ किए गए हैं या और ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इससे अलग अगर मैं कहूँ, क्योंकि पड़ोसी देशों की अपनी कुछ ज़रूरतें भी हैं, और जब भारत जैसे एक बड़े राष्ट्र के वो पड़ोसी हैं तो वो उनकी ज़रूरतें या उम्मीदें भारत से क्या नज़र आती हैं, और उसे पूरा करने के लिए क्या क्रूशियल आपके नज़रिए से पॉइंट्स हैं? जैसे एम्बेसडर साहब ने अभी बोला है, हमारी जो कनेक्टिविटी है एक बहुत बड़ा मेजर इश्यू है। अब नेपाल वाले बोलते हैं कि जो हमारे कंटेनर्स आते हैं हल्दिया से या कलकत्ता से, वो उनमें विशाखापट्टनम से उनमें आने में ज्यादा टाइम लगता है, और उनको चाइना से लाने में कम टाइम लगता है। तो वो चाइना के जो चाइना ने ड्राई पोर्ट दिए हैं उनको 3 टिबेट में, और जो उन्होंने वेट पोर्ट दिया उनको 3-4 इन, अब हालांकि वो बोलते हैं शंघाई से आता है इतना लंबा, पर फिर भी कम टाइम लगता है, और हल्दिया से आने में या वाइजैग से आने में क्लियर होके लाने में ज्यादा टाइम लगता है। ये सच है कि गलत है, ये हमको प्रूव करने की आवश्यकता है कि ये बात है कि नहीं है, और दूसरा अगर है तो हमको इसमें हेल्प करने की जरूरत है। अब अगर भूटान हमसे बोल रहा है कि आप चिटागोंग से अब मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट खोल रहे हैं रास्ता चिटागोंग से, तो उसका एक्सेस भूटान को भी दिया जाए, तो इट्स अ गुड आइडिया कि भाई हम ऐसा करें कि भूटान भी उसमें एडवांटेज ले सके, हमारा जो अभी नया मल्टी मॉडल खुलेगा या कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो सितवे से निकलकर ईस्ट में आएगा, इन सब प्रोजेक्ट्स में इन लैंड लॉक्ड कंट्रीज को एडवांटेज देने की आवश्यकता है ताकि वो हम पे डिपेंडेंट हो। नहीं तो अब जब नेपाल में जाए ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट उनकी चाइना की तरफ जाती है, हिंदुस्तान इतना फ्लाइट्स में कनेक्टेड नहीं है जितना चाइना कनेक्टेड है। हमको ये देखना है कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन बैठा है जो पैसा लुटा रहा है, और हमको उस पैसे को काउंटर करना है रिलेशनशिप से। सेना सर, जिस तरीके से जो बात हो रही थी, जैसे कि पिनाक सर ने कहा कि जो मंच या फोरम मैं कहूँ भारत ने पड़ोसियों के साथ मिलकर तैयार किए थे, उनकी रोल या भूमिका किस तरीके से देखते हैं रिश्तों को और मजबूत करने के लिए, और अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखें तो क्या और ऐसे कदम हैं जो कि आपको लगता है कि पड़ोसी देशों के साथ मिलकर उठाने की जरूरत होगी भविष्य में? एक तो जैसे पिनाक बड़ा अच्छा से कहा कि बिम्स्टेक ऐसी संस्था हमने सोची थी, कई साल पुरानी है, ढाका में हेडक्वार्टर्स है, उस पर हमें और काम करना पड़ेगा। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं क्रॉस बॉर्डर जो आपको बिम्स्टेक के थ्रू करना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा और आर्थिक विकास साथ साथ चलता है। अगर पड़ोसी देश को लगे कि भारत के साथ अच्छे आर्थिक संबंध रहें, जैसे कि अगर बांग्लादेश एक हब बन जाए भारत के पूरे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, तो उनको लगेगा कि उसमें ही सुरक्षा है। मगर साथ साथ आपने अच्छी बात की, अच्छी सुरक्षा की भी आवश्यकता है, फौज की भी आवश्यकता बहुत है, और मेरे ख्याल से भारत और हमारे पड़ोसी देश जिनके साथ हमारा रिश्ता ठीक है, जिनके साथ हमारी चुनौती नहीं है, उनके साथ
ज्यादा हमें कोऑपरेशन बढ़ाना है, साझेदारी हमारे बढ़ानी है, क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं तो जैसे पिनाक ने फिर वही बात अच्छी कही थी कि बांग्लादेश में मैक्सिमम जो आर्म्स खरीदते हैं, हथियार खरीदते हैं, वो चीन से खरीदते हैं, वो ठीक नहीं है। भारत और इन देश मिलकर बिना अलायंस बनाए हुए, क्योंकि अलायंस का जमाना चला गया, नेटो का जमाना चला गया, बट साथ एक्सरसाइज करना, साथ ट्रेनिंग करना, हमारे नेवी साथ काम करे, क्योंकि चुनौती तो कॉमन है। देखिए छोटे देश हैं, उनको चाइना के साथ समझौता जरूर करना पड़ता है, उनके दिमाग में भी है कि अल्टीमेटली हमारी ऐसा ना हो सॉवरेनिटी पर चीन का दबाव पड़े, तो म्यांमार को लग रहा है। इसे म्यांमार फौज और